दस्तगीर ने 25 रोज पहले निष्कारी कमीशन बोर्ड की तश्कील की समरी वजीर आजम को इरसाल की थी। इसके बावजूद निष्कारी बोर्ड की तश्कील न हो सकी। जराए के मुताबिक बाज़ आला हुकूमती हुकाम निष्कारी बोर्ड में अपने मनपसंद अफराद शामिल कराना चाहते हैं। वजारत निष्कारी की वेबसाइट से खुर्रम दस्तगीर की तस्वीर भी हटा ली गई है, ताहम उनके पास कॉमर्स और टेक्सटाइल की वजारतें मौजूद हैं। तर्जुमान वजीर आजम हाउस ने खुर्रम दस्तगीर के इस्तीफे की तस्दीक करते हुए कहा है कि GSP प्लस का दर्जा मिलने के बाद उनकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया है। अब वो चेयरमैन निष्कारी कमीशन की हैसियत से काम जारी नहीं रख सकेंगे। दूसरी जानिब दुनिया न्यूज से बात करते हुए खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि वजीर आजम ने नवंबर में निष्कारी कमीशन की सरबराही वापस लेकर कॉमर्स और टेक्सटाइल की वजारत दे दी थी। बाहमी रजामंदी से ये मामला तय पाया और 29 नवम्बर 2013 से मैं वजीर मुमलिकत बराए कॉमर्स एंड टेक्सटाइल हूँ, और जब ये तैनाती हो गई तो मैंने ये बेहतर समझा कि जो एक आई नहीं होता मेरे पास था बतौर चेयरमैन निष्कारी कमीशन, उससे मैंने आज खुद इस्तीफा दे दिया है। और जनाब सेनेटर इसाफदार वजीर खजाना ना सिर्फ मेरे सीनियर गाइड हैं बल्कि मेरे उस्ताद हैं। मैं मुआशी मामला उनसे सीखता हूँ और इंशाल्लाह सीखता रहूंगा। वजीर मुमलिकत कॉमर्स और टेक्सटाइल ने कहा कि वो मुल्की बरामदात के फरोग के लिए काम करना चाहते हैं।